दोस्तों, मेरा नाम जीवनदीप बत्ता है। मैं आप ही की तरह एक इंश्योरेंस सर्वेयर और पिछले 37 साल से इस प्रोफेशन में हूं। हमारी पिछली मीटिंग में हमने सर्वेइंग प्रोफेशन में आते हुए डिक्लाइन के बारे में डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने अपनी डिक्लाइनिंग इनकम को बूस्ट करने के लिए कुछ एड ऑन प्रोडक्ट्स जैसे कि वैल्यूएशन, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने एक ऑफ द ट्रैक एड ऑन प्रोडक्ट दैट इज ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी उसके बारे में डिस्कस किया। इस बार हम एक नया प्रोडक्ट जो कि है DSA लोन्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी यानी DSA लोन्स। ये DSA लोन्स क्या है दोस्तों? ये बैंकिंग इंडस्ट्री अपने लोन पोर्टफोलियो के लिए इन हाउस मैन पावर हायर नहीं करना चाहते, वो अपनी फिक्स लायबिलिटी बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए ये लोन पोर्टफोलियो का काम या लोन डॉक्यूमेंटेशन का काम किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है। उसी थर्ड पार्टी एजेंसी को DSA लोन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें स्कोप क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया में हर साल 2 करोड़ के करीब नए व्हीकल सेल किए जाते हैं, और इन एडिशन 2 करोड़ के करीब ही यूज व्हीकल भी सेल परचेज के लिए आते हैं, एंड अराउंड 70% ऑफ पीपल ऑप्ट फॉर द लोन मोड। सिमिलरली करोड़ों की संख्या में होम लोन्स, प्रॉपर्टी लोन्स, पर्सनल लोन्स और स्टडी लोन्स डिस्बर्स किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट साइज जो है वो बहुत बड़ा है। तो अगर मार्केट साइज बड़ा है तो ग्रोथ के चांसेस भी रहते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉपुलर लोन्स कौन कौन से हैं जिसको DSA लोग हैंडल करना चाहते हैं। इसमें से पहली कैटेगरी आती है ऑटो लोन्स। तो दोस्तों, जिस तरह हम सर्वेयर लोग बहुत तरह के क्लेम हैंडल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो मोटर क्लेम्स में रहती है और नॉन मोटर क्लेम्स में कंपैरेटिवली वॉल्यूम कम रहती है। उसी तरह ये लोन्स पोर्टफोलियो में भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑटो लोन्स में ही रहती है, और जो दूसरे लोन हैं उनमें वॉल्यूम थोड़ी कम रहती है। तो फिर ऑटो लोन्स में कार लोन्स, टू व्हीलर लोन्स और कमर्शियल व्हीकल लोन्स आते हैं, और फर्दर ऑटो लोन्स को हम दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली है न्यू व्हीकल लोन्स और दूसरा है यूज व्हीकल लोन्स। यूज व्हीकल और न्यू व्हीकल के लोन प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। न्यू व्हीकल लोन में जब लोन अमाउंट डिसबर्स की जाती है तो वो सीधे ऑटो डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, पर यूज व्हीकल के केस में लोन अमाउंट DSA के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, और उसके बाद DSA RC और इंश्योरेंस अपने पोजेशन में लेने के बाद जो लोन अमाउंट को बॉरर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, और उसके बाद व्हीकल डॉक्यूमेंट्स पे बैंक लिए एंडोर्स करवाने के बाद उसका प्रूफ बैंक को सबमिट करता है। तो इस तरह से ये यूज कार के लोन प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी कैटेगरी आती है वो आती है होम लोन्स। होम लोन दोस्तों आपको घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए या रेनोवेशन के लिए दिए जाते हैं, और प्रॉपर्टी लोन आपको अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए दिए जाते हैं। प्रॉपर्टी लोन्स एक तरह से लोन्स अगेंस्ट योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी रहते हैं।
और जो ट्रेंडी आजकल लोन वर्टिकल है वो है स्टडी लोन्स। स्टडी लोन्स आपको अपने लोकल एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि ये डीएसए का रोल क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम सर्वेयर लोग इंश्योरर और कंज्यूमर के बीच एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, उसी तरह डीएसए बैंकर और कंज्यूमर के बीच का इंटरमीडिएट होता है। अब बात आती है पे आउट के, पे आउट कितना मिलता है। तो दोस्तों, ये लोन अमाउंट का 2 से 4% तक पे आउट आपको दिया जाता है, और एवरेज टिकट साइज या एवरेज लोन साइज जो है वो 5 से 7 लाख रुपए का होता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ पे आउट से, तो एक ही केस में 20,000 के करीब आपको पे आउट मिलता है। अब बैंक पे आउट के अलावा भी कुछ एडिशनल इनकम एवेन्यूज डीएसए के पास रहते हैं। उसमें पहला रहता है कंपलसरी इंश्योरेंस। दोस्तों, जो भी लोन डिस्बर्स किए जाते हैं, इंश्योरेंस उनमें एक कंपल्शन रहती है, और अगर वो इंश्योरेंस डीएसए के थ्रू अरेंज की जाती है तो उसमें से भी डीएसए को कुछ पे आउट मिल जाता है। और दूसरा एवेन्यू जो है वो ऑटो डीलर के थ्रू है। जो नई गाड़ी परचेज की जाती है उसके अगेंस्ट भी डीएसए को एक सेल इंसेंटिव दिया जाता है। वो गाड़ी क्योंकि डीएसए के थ्रू सेल हो रही है, इसलिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन डीलर की तरफ से डीएसए के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट इज यूज व्हीकल और रीसेल हाउस वैल्यूएशन। तो यूज व्हीकल के केस में और रीसेल हाउस वैल्यूएशन हाउस के केस में वैल्यूएशन की जरूरत रहती है। तो क्योंकि हम लोग खुद सर्वेयर हैं, वैल्यूएशन का काम हैंडल कर सकते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ इनकम के चांसेस रहते हैं। और फाइनली, बहुत से डीएसए लोग अपने क्लाइंट से कुछ फिक्स प्रोसेसिंग चार्जेस भी लेते हैं। तो ये सब मिला के 10 से 15 हजार रुपए की एडिशनल इनकम के चांसेस डीएसए के पास रहते हैं। और अगर हम इसको बैंक पे आउट के साथ एड अप करेंगे तो एक ही केस में आपको 35,000 के करीब पे आउट मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। पहले जैसे हमने बात की कि ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो अपने लोन पोर्टफोलियो के लिए इन हाउस मैन पावर नहीं रखते हैं। वो अपना काम किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं। अब जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है वो बैंक की जगह डीएसए को अप्रोच करते हैं, और डीएसए उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद बैंक को सबमिट करता है, तो उसके बाद फिर लोन अप्रूव हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है या रोल है डीएसए का। अब बात करेंगे कि ये मेरा प्रेफर्ड प्रोडक्ट क्यों है या मेरा रिकमेंडेड प्रोडक्ट क्यों है, ये मुझे क्यों अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इसमें कंज्यूमर और लेंडर दोनों को आपकी सर्विसेज की जरूरत रहती है। ये एक यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट में। यू आर ए वांटेड मैन। अब कंज्यूमर है जो, वो भी आपको अप्रिशिएट करता है कि आपने उसका एक वीक केस अप्रूव करवा दिया, और जो बैंकर है वो भी आपसे खुश है कि आपने उसको बैठे बैठाए एक ठीक ठाक क्लाइंट दे दिया। और कंपैरेटिवली अगर हम अपने सर्वे प्रोफेशन की बात करें तो यू गेट कर्स्ट बाय एवरीवन। इंश्योरर आपसे खुश नहीं है, क्लेमेंट भी आपसे खुश नहीं है, और डीलर भी आपको गाली निकाल रहा है।
तो ये एक तरह से थैंकलेस जॉब होती जा रही है। तो ये हमने कंप्लीट डीएसए का मीनिंग और वर्क प्रोसेस के बारे में बात की है। अब इससे आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे कि ये प्रोफेशन या ये वर्टिकल कैसे सर्वे प्रोफेशन के साथ मैचिंग है या कंपैटिबल है। इसके लिए हमने ये टेबलर फॉर्म में कंपैरिजन चार्ट बनाया है। इसमें अब पहला पॉइंट हम देखेंगे कि क्लेम प्रोसेस में हम सबसे पहले पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और लोन प्रोसेस में हम लोन कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, और उसके बाद क्लेम प्रोसेस में हम पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, और लोन प्रोसेस में हम कॉन्ट्रैक्ट लोन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं। और फिर पॉइंट नंबर थ्री, क्लेम प्रोसेस में हम डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, जैसे कि क्लेम फॉर्म, एस्टीमेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, व्हीकल आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस। और लोन प्रोसेस में भी इसी तरह हम बॉरर के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, व्हीकल कोटेशन और इनकम प्रूफ को चेक करते हैं। तो उसके बाद इन सब चीजों को क्लेम प्रोसेस में हम एनालाइज करते हैं, और उसके बाद एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम एंड क्वांटम ऑफ क्लेम वर्कआउट करते हैं या डिसाइड करते हैं। और लोन प्रोसेस में हम एलिजिबिलिटी फॉर लोन और क्वांटम ऑफ लोन डिसाइड करते हैं। तो एक तरह से चारों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर हैं। जो वर्क फ्लो है वो दोनों ही वर्टिकल में बिल्कुल एक जैसा है। और फाइनली ये सब डिसाइड करने के बाद, अगर क्लेम प्रोसेस में, अगर क्लेम डॉक्यूमेंट्स में हमें कोई माइनर डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अंटिल और अनलेस उसमें कोई मेजर फ्लॉ ना हो। तभी हम, अगर कोई मेजर फ्लॉ है तभी हम उसको रेपुटेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हमारी कोशिश यही रहती है कि क्लेम पे हो जाए। और इसी तरह लोन प्रोसेस में भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट्स में रहती है तो हम उस केस को स्ट्रेंथन करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि उसका कोई अच्छा बैंक स्टेटमेंट, कोई प्रॉपर्टी प्रूफ या किसी फैमिली मेंबर का इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करते हैं, ताकि वो केस थोड़ा मजबूत हो जाए और जो लेंडर है या बैंकर है वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करे। अब फाइनली हम देखेंगे कि हमारी यूएसपी क्या है, क्या खूबी है हमें, क्यों लोग हमारे पास आएंगे, क्यों लोग हमें दूसरों से ज्यादा प्रेफर करेंगे। और इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड लोग हैं। हम लोगों को व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में पता है, व्हीकल मॉडल्स और उनके वेरिएंट्स के बारे में पता है, हमें अलग अलग वेरिएंट्स की प्राइसिंग के बारे में पता है, हमें उन वेरिएंट्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता है। तो हम ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एनालिस्ट हैं, हमें टर्म्स एंड कंडीशंस का इंटरप्रिटेशन करना आता है। हम इसी तरह लोन डॉक्यूमेंट्स का भी और लोन टर्म्स एंड कंडीशंस का भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं।
और तीसरी बात, हम एक रिस्पेक्टेड और रिलायबल प्रोफेशनल हैं, तो ये सब हमारी खूबियां हैं। और सबसे बड़ी बात, जो किसी भी काम में, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो है नेटवर्क। तो दोस्तों, सर्वेयर जो हैं वो ऑलरेडी हाईली नेटवर्क लोग हैं, बहुत से डीलर हमें जानते हैं, बहुत से डीलर के एम्प्लॉई और इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉई के साथ हमारा नेटवर्क का ऑलरेडी है, और हजारों की संख्या में क्लाइमेंट्स हमें जानते हैं। तो ये एक, क्योंकि रेफरेंस बेस्ड काम होते हैं, तो ये इतने संख्या में लोग हमारा रेफरेंस दूसरों को दे सकते हैं, हमारा नाम दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं, तो ये नेटवर्क का हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब बात करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों इसमें सर्विस सेक्टर का ये काम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंफ्रा नहीं चाहिए होता है, बेसिक इंफ्रा जो है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, आपके पास पीसी ऑलरेडी है, एक फोन आपके पास है, और एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर भी आपके पास है, और इसके अलावा एक चेयर और टेबल भी आपके पास है, तो फिर कुछ और एक्स्ट्रा या बड़ा इंफ्रा हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रा के साथ इस काम को अपने एग्जिस्टिंग ऑफिस से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि कुछ लोग अगर इसमें आएंगे और वो 8-10 केसेस भी हैंडल कर पाए, तो 3-4 लाख रुपए का अर्निंग पोटेंशियल इसमें रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम में से बहुत से लोग इसमें एंटर करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर किसी नेक्स्ट मीटिंग में किसी नए प्रोडक्ट के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।